मौत को छूके से वापस आ गया था मैं आज। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज है सैटरडे और मैं अभी अभी उठा हूँ और मुझे ना अभी जाना है सेक्टर 61-62 कहीं जाना है, तो मैं जल्दी से तैयार होता हूँ फिर निकलता हूँ यहाँ से। ओह माय गॉड, इतनी दर्द हो रही है कमर में। पहले मैं नहा लेता हूँ, नहाना बहुत ज़रूरी है, आजकल गर्मी हो रही है। तो मैंने नहा लिया है और अब मैं जा रहा हूँ कॉलेज। और कॉलेज क्यों जा रहा हूँ ये मैं आपको बताता हूँ आगे, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है आपको ये जान के कि इस उम्र में आज कॉलेज क्यों जा रहा है इतने सालों के बाद फिर से। देखते रहिए। जो अपना लॉक है ना दरवाजे का, वो इतना टाइट है, इतना ख़राब है, हाथ में दर्द हो जाता है उसे लगाने में। और मैंने अपने लैंडलॉर्ड को बोला, वो कहते हैं बेटे वो नया ही तो है, अभी तो लगाया था बेटे। मैंने कहा अभी कब लगाया था? कि अभी तो लगाया था 98 में जब घर लिया था। अब 98 को हो गए हैं 25 साल, 25 साल पहले लगाया था, अभी लगाया था। कहते बेटे, वो कहते हैं बेटे उसमें थोड़ा सा तेल डाल लो ठीक हो जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है। तो मैं आज जा रहा हूँ इसलिए क्योंकि आज है मेरा एग्ज़ाम। और मैं आपको दिखाता हूँ अपना एडमिट कार्ड, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो मैं आपको अपना एडमिट कार्ड दिखाना चाहूँगा। मुझे नहीं रहा, यह मेरा एडमिट कार्ड देख लिया ना, हो गया यकीन? फिर मत कहना माइकल दारू पी के दंगा करता है। ओए जा, चलो फटाफट से निकलता हूँ, टाइम हो गया 11:24 और 12 बजे मेरा है एग्ज़ाम। तो मैं पहुँच तो गया हूँ कॉलेज, मुझे यहाँ पे तो मैं आ गया हूँ एग्ज़ाम देके। टाइम हो गया है 2:30। तो मेरा एग्ज़ाम ना पहला था और मैंने ज़्यादा पढ़ा वढ़ा नहीं था, लेकिन उसके हिसाब से मैंने ठीक ठाक कर लिया। अब आगे देखते हैं परिणाम क्या होगा। और किस चीज़ का एग्ज़ाम था वो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली मैं संस्कृत में कर रहा हूँ फिर से स्कूलिंग स्टार्ट, तो मैंने संस्कृत में मैं अभी 12th कर रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं ग्रेजुएशन करूँगा। पूरा 5 ईयर्स डिग्री प्रोग्राम है संस्कृत में, तो वो ले रहा हूँ। मेरी कमर में ना बहुत तेज़ दर्द हो रहा है यार, पता नहीं क्या हो गया। तो भैया मैं घर तो आ गया हूँ कॉलेज से, लेकिन रास्ते में आते आते ना मेरी हालत ख़राब हो गई, बहुत ख़तरनाक। इसीलिए मैं मंटू को बुलाया अर्जेंटली कि तू घर आ जा, हॉस्पिटल जाना है। फिर मैं हॉस्पिटल के लिए अपॉइंटमेंट है, अभी एक घंटा हमारे पास है और हॉस्पिटल पास में ही सेक्टर 79 में, तो हॉस्पिटल जाना है अभी, बहुत अर्जेंट, बहुत ख़तरनाक कांड हो गया अचानक से। तो अब हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल, मंटू लेके जाएगा, फिर उसके बाद उसे वापस जाना है ऑफिस। बारिश स्टार्ट हो गई है दोबारा से यहाँ पर, कल भी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, अभी गाज़ियाबाद वगैरह साइड भी बहुत बारिश हो रही थी, और यहाँ तो नहीं हो रही है लेकिन यहाँ होने वाली है। तो इतना भयंकर कांड हुआ था, मेरे पैर में अभी भी कांप रहे हैं मेरे पैर। अभी शायद स्कूल की छुट्टी हो रही होगी ना इसलिए इतना जाम है। बगल में अपना GD गोयनका स्कूल, वो बड़ा स्कूल है, बड़ा महंगा स्कूल है। तो हम लोग पहुंच गए डॉक्टर के घर पे, घर पे नहीं पहुंचे अब, घर ढूंढ रहे हैं हम लोग अभी सोसाइटी में। फिलहाल तब तक सोसाइटी एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो मैं आ गया यहाँ पे, अब हमें जाना है 22nd फ्लोर पे, 22वें माले पे है क्लिनिक। बताओ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में क्लिनिक बना रखा है। ऊपर आ गए हम लोग और मैं ये आसमान की ऊंचाइयों पर देखो, नीचे गाड़ियां कीड़े मकोड़े लग रहे हैं इतने ऊपर है। उधर क्या लेक है? कोई लेक है वहाँ पे देख, लेक लेक
तो हम डॉक्टर को दिखा के आ गए, उसको संदेह है कि स्टोन क्रेशर खुल गया पेट में। तब स्टोन क्रेशर का टेस्ट करवाने जा रहे हैं हम लोग। तो मैं अभी ढूंढ रहा हूँ अल्ट्रासाउंड की दुकान, मिल नहीं रही है। कोई बता रहा इधर है, कोई बता रहा उधर है। एक मैंने देखी है, थोड़ा दूर है। पहले कोशिश करने की यहीं कहीं मिल जाए तो यहीं पर निपटा के डॉक्टर का काम ख़त्म कर देना। मौत को छू के से वापस आ गया था मैं आज। अब मुझे यहाँ ढूंढना है अल्ट्रासाउंड। अभी फ़िलहाल वो कह रही है कि फास्टिंग चाहिए 4 से 5 घंटे की, उसके बाद ही अल्ट्रासाउंड हो पाएगा। तो फिलहाल प्लान में एक चेंज है। दूसरे हॉस्पिटल में Cloud 9 Sector 51 में ये कह रहे हम पुरुषों का अल्ट्रासाउंड नहीं करते। अब बताओ पुरुष होने के लिए इतनी जलालत झेलनी पड़ेगी हमें? क्या गुनाह कर दिया मैंने मर्द जात होके? तो मैं फिलहाल आ गया हूँ वापस, अल्ट्रासाउंड कराने जाना है 5 बजे। उसके लिए ना फास्टिंग चाहिए 4 घंटे की, तो मैंने 1 बजे लंच किया था, तो 5 बजे मैं वहाँ पर जाऊँगा। तो ये बज गया 5 और मैं निकल रहा हूँ अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। और मुझे हल्का हल्का पेन ना फिर से फील होने लगा है। तो मैं जहाँ जा रहा था ना बहुत दूर लग रहा था मुझे, उसके एड्रेस वगैरह ये सब चीज़ें देख के। और जब मैं घूम फिर के तो मेरे घर के पीछे ही था। मैं वापस आ गया और गाड़ी वहाँ पार्क करके अब जा रहा हूँ। तो फिलहाल वेट कर रहा हूँ अपनी बारी का। तो टेस्ट भी करवा लिया, अल्ट्रासाउंड भी करवा लिया है और रिपोर्ट भी आ गई है। फिलहाल चलते हैं दवाई लेते हैं। तो फिलहाल मैं आ गया हूँ हॉस्पिटल से, इतनी सारी दवाई और इतने सारे रिपोर्ट लेके। बीमार होना भी ना बड़ा गुनाह है, गरीब आदमी तो बीमार भी नहीं हो सकता यार। तो फाइनली मैं आ गया हूँ घर। और मैं इतने चक्कर डॉक्टर और हॉस्पिटल के क्यों लगा रहा था, अब मैं बताता हूँ फुर्सत से। एक्चुअली मैं सुबह निकला था 10:30-11 बजे के आसपास एक मीटिंग के लिए, और वापस आने तक मेरी हालत ख़राब हो गई। पेट में इतना भयंकर दर्द हो गया, मैं गाड़ी नहीं चला पा रहा था। तो रुकते रुकते हुए कहीं पे उतर के कहीं पे रुक के थोड़ी देर गाड़ी में लेट के मैं थोड़ा थोड़ा 100-100 मीटर 200-200 मीटर करके मैं गाड़ी चलाते हुए एक पुलिस स्टेशन पर मैं रुका। तो मैंने पुलिस वालों को बोला कि आप मेरी गाड़ी चला लो प्लीज़, मुझे घर तक छोड़ दो, Sector 51 में पास में 4 किलोमीटर यहाँ से। उन्होंने कहा हमारे पास एक ही ड्राइवर है, आप गाड़ी चलाओ, हम एस्कॉर्ट कर लेते हैं, आपके पीछे पीछे चलेंगे। तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा चलो मैं चला जाऊंगा ऐसे धीरे धीरे। और मैं घर आते आते मेरी वो हालत हो गई। फिर मैं मेडिकल स्टोर पे गया, मैंने उनसे एक पेन किलर लिया, तो उसके बाद भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा और मैं घर आ गया। फिर घर आने के बाद मंटू को बुलाया, मंटू भाई वो गाज़ियाबाद लालकुआ में था, तो मंटू लालकुआ से यहाँ आया। फिर वो मुझे डॉक्टर के पास लेके गया, फिर डॉक्टर ने बताया कि शायद स्टोन हो सकता है, इतना ख़तरनाक पेन स्टोन से ही होता है। और फिर मैं अभी अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा के आया हूँ, तो हाँ वो स्टोन ही था भाई साहब। मौत को छुके टक्क से वापस आ गया, इतना भयंकर दर्द हुआ, अब पूरा पसीना पसीना हो गया मैं और अकेला। बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस था मेरा आज का। तो फिलहाल के लिए इस व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, और आप सब लोगों को भी एक एडवाइस दे रहा हूँ कि अपना बहुत सारा ध्यान रखें खाने पीने का, और डाइट में बहुत ही बैलेंस डाइट लें, सोने में अनियमितताएँ ना रखें, और खाना जो है बाहर का खाना अवॉइड ही करें, घर पर बनाएँ, बॉइल्ड खाएँ, ज़्यादा ऑयली ना खाएँ, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है फिलहाल। बाकी ज़्यादा चैलेंजिंग काम नहीं है, स्वस्थ रहने के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें हमें खुद करनी होंगी। तो अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर।